नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। ममता ने अपनी कई रैलियों में ये दावा किया है कि वो अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी और उनके रहते हुए कोई भी नागरिक पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक ममता अब एनपीआर का भी विरोध कर रही हैं। ममता के इन सभी विरोधों के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजकुमारी केसरी ने राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता ममता बनर्जी को एक ऐसी भूतनी करार दिया है जो भगवान राम से डरती हैं। जी हां, राजकुमारी केसरी ने ममता दीदी को भूतनी बता दिया है। बता दें, केसरी ने बाकुंडा में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित रैली में ये बात कही। बता दें कि सीएए के समर्थन में बीजेपी राज्य के अलग अलग हिस्सों में रैली कर रही है। केसरी ने कहा, उनके यानी ममता बनर्जी पास गौरव नहीं है और उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता भी नहीं है। वो एक भूतनी है जो जब भी राम का नाम सुनती है तो कार से बाहर आ जाती है और लोगों को चुनौती देती है। भूतनी यानी ममता भगवान राम से डरती है। यहाँ आपको बता दें कि इस साल के मई महीने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपना आपा खो बैठी थी जब ममता बनर्जी का काफिला उत्तरी 24 परगाना जिले के संकटग्रस्त भटपारा से गुजर रहा था। तभी कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद वो एक बार फिर अपना आपा खो बैठी थी और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उन सभी के नाम लिखने को कहा। দিদি গাড়িতে হামলা চালিয়েছে দিদি। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार सीए के समर्थन में रैलियां कर ममता बनर्जी पर हमले कर रही है। बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के उपाध्यक्ष राजकुमार केसरी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक दूसरे के साथ भिड़ंत होती रही है। एक बार राज्य की सत्ता तब गर्माई थी जब राजकुमारी केसरी ने ममता से उनके असल पिता का नाम पूछ लिया था। बता दें, 25 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसी दिन कोलकाता में लाल बाजार अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमारी ने ममता की इस मुलाकात को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि एक और ममता दिल्ली से मोदी के दरबार में हाजिरी लगाकर अल्लाह और भगवान के नाम पर भीख मांग रही हैं। वहीं उनकी पुलिस भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों पर लाठी बरसा रही है। राजकुमारी ने मर्यादा को भी ताक में रखकर ममता से उनके असल पिता का नाम पूछ लिया था। उन्होंने कहा था कि एक समय में ममता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैर पकड़कर उनको अपना पिता कहा था। अब ममता को अपने असली पिता का नाम बता देना चाहिए। बता दें, ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि जब तक सीएए को वापस नहीं लिया जाता है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आग से नहीं खेलने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि जब तक संशोधित नागरिकता कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने बीजेपी पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, किसी से डरे नहीं, मैं बीजेपी को आगाह कर रही हूँ कि वो आग से नहीं खेले। ममता ने आरोप लगाया कि सीए के खिलाफ बोल रहे छात्रों को भी बीजेपी धमका रही है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, अगर आप सबका पीछा करेंगे तो आप कैसे टिकेंगे। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते हुए कटाक्ष किया कि इस पार्टी में शामिल होकर सभी दाग धुल जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।